दूसरी इसकी बड़ी वजह बार बार DNCs का होना। अब DNC में क्या होता है कि जब आपका बच्चा ज़ाया होता है तो औजार की मदद से आपकी बच्चेदानी की अंदरूनी तय की थोड़ी सी खुदाई की जाती है ताकि मुकम्मल तौर पर सारे पीसेस बाहर निकल आए। अब अगर जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नायला हूँ गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, जो कि वक्तन फवक्तन अपनी मसरूफियत के मुताबिक आपके लिए अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन के ऊपर वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो आज हमने बात करनी है बच्चेदानी की कमज़ोरी के ऊपर। पहले हमने बात की थी वो जिसमें हमने कहा था बच्चेदानी का मुँह कमज़ोर हो जिससे बार बार बच्चे जो है वो ज़ाया होते हैं। आज इनफर्टिलिटी की एक वजह होती है बच्चेदानी की कमज़ोरी, जिसमें क्या होता है कि आज हम बात करेंगे कि वो होती क्या है और वो किस तरह से इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती हैं वो ख़वातीन जिनकी बच्चेदानी कमज़ोर होती है, और इसकी क्या वजूहात होती हैं और इनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, तो अब ये है कि बच्चेदानी को अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 6 to 8 सेंटीमीटर का नॉर्मल साइज़ होता है। अब बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये बिल्कुल जिस तरह से हम बीज डालते हैं और ज़मीन अगर तैयार करके डालें तो उसके अंदर बीज के उगने का चांस बड़ा होता है, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करती है। होता क्या है कि जैसे ही मावारी, एक औरत की मावारी आती है और अब ब्लीडिंग कम होती है तो आस्ता आस्ता अंदरूनी तय मोटी होना शुरू हो जाती है, और 14वें या 15वें दिन के ऊपर जब अंडा रिलीज़ होता है तो ये ख़ास मोटाई पे पहुंच जाती है, और जब अंडा जबकि अंडा और स्पर्म्स आपस में मिल रहे हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में ब्लड सर्कुलेशन आना शुरू हो जाती है, और जब वो एम्ब्रियो बन के इसके अंदर आके रुकता है तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा ये इसकी तय मोटी हो चुकी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एम्ब्रियो बच्चेदानी के अंदर चिपक जाएगा और अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा। अब जिन औरतों के अंदर ये तय एक ख़ास लेवल से कमज़ोर रह जाती है, छोटी रह जाती है, उनके अंदर चाहे अंडा और स्पर्म आपस में मिल के एम्ब्रियो बना भी दें तो या तो क्या होता है कि वो एम्ब्रियो चिपक ही नहीं पाता, और इस तरह से क्या होता है कि उनको लगता है कि हमारी जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ये जो अंदरूनी यूट्रस की अंदरूनी तय होती है ये मावारी के बिल्कुल बाद, यानी जब ये मुकम्मल तौर पे आपको ब्लीडिंग हो गई, अच्छी तरह से शेड हो गई, उस वक़्त इसकी जो मोटाई है ये तकरीबन 3 to 4 सेंटीमीटर मिलीमीटर होनी चाहिए। लेकिन आस्ता आस्ता जैसे ही पीरियड से आप फारग होते हैं तो एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, जिसकी वजह से क्या होती है ये जो दीवार है, अंदरूनी दीवार है, ये बच्चे की इम्प्लांटेशन या बच्चे के चिपकने के लिए तैयारी शुरू कर देती है और इसकी सतह मोटी होना शुरू हो जाती है। और 14वें दिन के ऊपर जब एग रप्चर होता है तो इसकी जो मोटाई है वो मिनिमम 7 सेंटीमीटर और मैक्सिमम देखा गया है कि 14 मिलीमीटर तक भी जा सकती है, 7 मिलीमीटर या 14 मिलीमीटर तक जा सकती है। अगर 7 मिलीमीटर से ये ऊपर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो अंडा फटा है जब वो स्पर्म के साथ मिल के एम्ब्रियो बनेगा और इधर यूट्रस के अंदर आएगा तो वो बच्चेदानी की दीवार के साथ चिपक जाएगा। लेकिन अगर इसकी मोटाई कम है, 7 सेंटीमीटर से कम है, 7 मिलीमीटर से कम है, तो उस सूरत में क्या होता है कि अगर एम्ब्रियो बन के वापस आ जाता है यूट्रस के अंदर तो ये दीवार इतनी पतली होती है, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन इतनी कम होती है कि वो जो है वो दीवार के साथ चिपक ही नहीं पाता और मेंसेस के साथ ही वो जो हमल होता है वो निकल जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये क्या वजूहात हैं कि बच्चेदानी की अंदरूनी तय कमज़ोर रह जाती है। सबसे पहली बात वही हार्मोन का इम्बैलेंस, यानी मावारी के शुरू के दिनों में जब ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना चाहिए तो वो कम आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी जो बच्चेदानी है उसकी दीवार मोटी नहीं हो पाती। दूसरी इसकी बड़ी वजह बार बार DNCs का होना। अब DNC में क्या होता है कि जब आपका बच्चा ज़ाया होता है तो औजार की मदद से आपकी बच्चेदानी की अंदरूनी तय की थोड़ी सी खुदाई की जाती है ताकि मुकम्मल तौर पर सारे पीसेस बाहर निकल आए।
अब अगर वो एक एक्सपर्ट गायनी की डॉक्टर कर रही है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये पीसेस ख़त्म हो गए हैं और अब जो बबल्स आना शुरू हो गए हैं इसका मतलब ये है कि अब मज़ीद मुझे नहीं करना। अब वो क्या करती हैं कि जब बहुत ज़्यादा क्यूरेटिंग कर देती हैं तो वो एंडोमेट्रियम भी जो है वो निकल जाती है, जिसकी वजह क्या होता है कि बार बार डीएनसीज की वजह से जो है वो बच्चेदानी की जो दीवार है वो बहुत बारीक रह जाती है, उसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है और वो बच्चा इम्प्लांट करने के लिए जो है वो काबिल नहीं रहती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ बच्चेदानी का अंदरूनी तह एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन, जिसको एंडोमेट्रियाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन के अंदर भी क्या होता है कि बच्चेदानी की जो अंदरूनी दीवार है एंडोमेट्रियम, वो उसके अंदर ब्लड सप्लाई चूँकि कम होती है क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर, यानी पुराने इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है, वहाँ पे खून की सप्लाई कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एंडोमेट्रियम एक ख़ास लेवल से मोटी नहीं हो सकती और वहाँ पे बच्चा चिपकने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। इसी तरह से जो पेशेंट जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है उनके अंदर भी ऐसे होता है कि यूजुअली 16 से लेके 35 से 37 साल की उम्र तक एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, हार्मोन्स अच्छे बन रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि 37 साल की उम्र के बाद भी एंडोमेट्रियम को जो है वो उसकी मोटाई कम हो जाती है और उसके बाद भी इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चा चिपकने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कुछ वजूहात थी। इसके अलावा जो आजकल का लाइफस्टाइल है जिसके अंदर प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं हम लेते, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि न्यूट्रिशन, बहुत सारे माइक्रो लेवल की न्यूट्रिशन होती हैं जैसे सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, ये बहुत ज़रूरी होते हैं यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम को बिल्ड करने के लिए। अगर ये आपकी बॉडी के अंदर अप टू मार्क नहीं है तो क्या होगा कि वो बिल्ड नहीं। अब इसकी अलामत क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि इन मरीज़ों के अंदर माहवारी बहुत कम होती है, बिल्कुल दाग लगने के बराबर होती है, क्योंकि अंदरूनी मोटाई हुई नहीं पूरी तरह से, तो उसमें क्या होता है कि पीरियड्स इनको बहुत कम होते हैं। अब ये स्पेशल हिस्ट्री आके हमें देते हैं कि जी डीएनसी से पहले तो पीरियड्स खुल के होते थे लेकिन अब जब आए हैं तो डीएनसी के बाद पीरियड्स कम हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपकी एंडोमेट्रियम स्लफ कर गई है। वैसे अभी ये मैं डीएनसी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि डब्ल्यूएचओ ने अब डीएनसी को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करना शुरू कर दिया है, बहुत ही ईजियर मेथड आ गए हैं जो कि मिसकैरेजेस के जो फीटल पार्ट्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वैक्यूम्स वगैरह आ गए हैं जो कि उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसलिए अब डॉक्टर्स को भी अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है कि वो लोहे के औजार जो हैं वो अब उससे बाहर निकल आए। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, वो क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि पीरियड्स के दौरान पेन होता है। इसका मतलब क्या है कि उनको एंडोमेट्रियम के अंदर इन्फेक्शन हो गया हुआ है, जिसकी वजह से क्या है वो इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता जब पुराना हो जाता है क्रॉनिक एंडोमेट्रियाइटिस, तो उसकी वजह से भी वो दीवार नहीं बन पाती है और पेन की अलामत भी हो सकती है। अब अगर किसी की हम जब आपका 12वें दिन के ऊपर अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक तो हम देखते हैं कि एग ठीक बना हुआ है साइज़ का, और साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो का बेड है यानी एंडोमेट्रियम, क्या वो भी ठीक है या नहीं है। अगर आपका एग साइज़ ठीक बना हुआ है और आपकी एंडोमेट्रियम 7 मिलीमीटर से कम हो तो आपकी डॉक्टर आपको बता देती है कि आपकी एंडोमेट्रियम कम बनी हुई है। इस हमल में बेशक एग बन भी गया है लेकिन आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हैं। उसमें ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आपको प्रेगनेंसी नेक्स्ट टाइम जब आपको अंडे बनने वाली गोलियाँ दी जाती हैं तो साथ में आपको ईस्ट्रोजन का हार्मोन भी दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी एंडोमेट्रियम की जो मोटाई है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लग जाती है। और बहुत सारे सप्लीमेंट्स इसके अंदर जो है वो डाइहाइड्रोएपिस्टैंडायोन का सप्लीमेंट है, इसके अलावा सेलेनियम जिंक के सप्लीमेंटेशंस वो भी ऐड कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ होती है फर्टिलिटी मसाज, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो भी रिकमेंड किया जाता है। उस मसाज से क्या होता है वो आपने पहले 14 डेज़ में करना होता है, जिससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है टुवर्ड्स यूट्रस, वो जो है वो उससे क्या होता है कि आपकी एंडोमेट्रियम बड़े अच्छे तरीके से बिल्ट हो जाती है। अब ये जो ईस्ट्रोजन की दवाइयाँ होती हैं ये तकरीबन पहले 10 दिन में दी जाती हैं और इससे क्या होता है कि आपका एंडोमेट्रियम का बेड जो होता है वो बड़ा अच्छा बन जाता है, लेकिन मसला ये होता है कि जब हम ईस्ट्रोजन की मेडिसिन दे देते हैं तो नेचुरल ईस्ट्रोजन बनना ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से एग के लिए हमें जो मेडिसिन दे रहे होते हैं उनकी डोज हमें डबल करना पड़ जाती है। तो क्योंकि जो हमारा नेचुरल हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो दिमाग से सिग्नल जाते हैं, जिसको हम पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक एक्सिस कहते हैं,
वो अपने हार्मोन्स पे चल रहा होता है। तो अगर हम बाहर से एक हार्मोन ऐड करते हैं तो वो सारा पाथवे ब्लॉक हो जाता है और उससे क्या होता है कि फिर आगे एग बनने का प्रोसेस अफेक्टेड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ बताने का मकसद ये है कि ये आपने वीडियो सुनने के बाद घर में खुद से ईस्ट्रोजन की गोलियाँ नहीं खाना शुरू कर देनी, आपने अपने बाकायदा किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को दिखाना है, अपनी एंडोमेट्रियम को मैयर करवाना है। और अगर आपके अंदर एंडोमेट्रियम कम है तो समझ जाएं इस बात को कि आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है और इसका इलाज भी मौजूद है। और इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, बच्चेदानी की मुंह यानी सर्विक्स की जो कमज़ोरी होती है वो एक अलग चीज़ है, उस पर मेरी अलग से वीडियो मौजूद है। उसमें क्या होता है कि बच्चा पाँचवें छठे महीने में ज़ाया हो जाता है और उसके लिए टांका लगाना पड़ता है। और ये है बच्चेदानी ओवरऑल किस तरह से जो है वो कमज़ोर होती है। इसमें आपको लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन भी डॉक्टर बहुत ज़्यादा बताते हैं, तो वो भी आपने करनी है। अपनी डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाना है, और इसके अलावा स्ट्रेस को आपने अवॉइड करना है, मेडिटेशन करनी है। और इन चीज़ों से क्या होता है कि हमारे लिए रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है।